हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपने चौहान वंश चल रहा है। अपने चौहान वंश में पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, अब ये दूसरा पार्ट है। तो आज अपन देखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और इनका कार्यकाल लगभग 1177 से इसी से शुरू होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है दोस्तों। तो इनको उपाधि दी है, दल पोंगल की उपाधि दी है, और इनके पिताजी हैं सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी कौन है? सोमेश्वर हैं। और माता का नाम कपूर देवी, और इनकी माता इनकी संरक्षक बनी। क्यों बनी? तो छोटी उम्र में ये शासक बन गए थे इसलिए। और सेनापति इनका भुवनमल था, और इनके प्रधानमंत्री कदम्ब या केमास। युद्धों में इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान ने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का एक चचेरा भाई होता है नागार्जुन, जिसको 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया था। तो ये कुछ नक्शे से हमने नक्शा बनाया है समझाने के लिए। बीच में अजमेर हैं, 1177 से पृथ्वीराज चौहान हैं। तो इनका पहला युद्ध है चचेरे भाई पे, नागार्जुन पराजित हो जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीत जाते हैं। तो ये दोस्तों पृथ्वीराज चौहान हैं, 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गए थे, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। तो उसके चचेरे भाई नागार्जुन ने सोचा कि 11 वर्ष का उम्र शासक बन गया, ये क्या युद्ध लड़ेगा, यूं करके इसने आक्रमण किया। तो वही नागार्जुन ही हार गया। आगे 1182 ईस्वी में सिंध प्रदेश से आई भंडारंग नामक जाति हरियाणा, मथुरा, अलवर, भरतपुर में कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार कर रही थी। कब की घटना है? 1182 ईस्वी में सिंध प्रदेश से आई भंडानक नामक जाति हरियाणा, भंडानक नामक जाति है जो मथुरा, अलवर, भरतपुर में कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रही थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने भंडानक नामक जो जाति थी उसका दमन कर दिया था, खदेड़ दिया। और ये क्या होता है? तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान अलाउद्दीन की वीरता से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे इस युद्ध में फिर हमारा राजस्थान नक्शा है, अजमेर है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। किस पर आक्रमण करते हैं? परमादी देव चंदेल का सेनापति अलाउद्दीन को पराजित करते हैं। परमादी देव चंदेल जो है उसका सेनापति, इसके साथ युद्ध होता है। तो 1182 ईस्वी की घटना है, इसमें परमर्दी देव चंदेल की सेना ने पृथ्वीराज सेना पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान का परवीराज के बीच में तुमुल का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन है? सोमेश्वर है। सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? चालुक्य शासक भीमसिंह द्वितीय ने की थी। गुजरात के चालुक्य शासक भीमसिंह द्वितीय को पृथ्वीराज चौहान ने नागौर के युद्ध में 2 बार पराजित किया था। क्या होता है कि गुजरात का जो चालुक्य शासक भीमसिंह द्वितीय हैं को पृथ्वीराज चौहान ने नागौर के युद्ध में 2 बार पराजित किया है। पृथ्वीराज चौहान ने आबू की राजकुमारी इच्छाने से विवाह किया है। पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ विवाह किया है? आबू की राजकुमारी जो है इच्छाणी नाम की, उससे विवाह किया है। अज्ञात है पृथ्वीराज तृतीय व संयोगिता का मिलन। तो पृथ्वीराज व संयोगिता का मिलन कैसे होता है? ये दिल्ली का आनंद तोमर, द हिस्ट्री ऑफ कन्नौज,
बुक है इसमें क्या होता है कि आर एस त्रिपाठी इस बात का संबंध खंडन करते हैं कि ऐसा कोई युवा नहीं हुआ है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इस डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान अनेस्ट समर्थन करते हैं कि इनका युवा हुआ है। देखो पहले तो क्या होता है, कपूर देवी एक तो है, कपूर देवी, कपूर देवी हुआ किससे हुआ है, सोमेश्वर के साथ में। सोमेश्वर के बेटे कौन है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज के मौसेरे भाई जयचंद गढ़वाल है। जयचंद गढ़वाल की जो पुत्री है संयोगिता का स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान के होता है। यहाँ पे अज्ञात विवाह क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो विजयपाल जो गढ़वाल है कन्नौज के शासक है, उसका जो बेटा है जयचंद गढ़वाल, फिर उसकी पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से ऐसा होता है। संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान की मिलन का आर एस त्रिपाठी अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ कन्नौज में खंडन करते हैं। वहीं दूसरी ओर संयोगिता व पृथ्वीराज चौहान के मिलन डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टी में समर्थन करते हैं। आगे होता है कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष किस तरह से होता है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मोहम्मद गोरी जो है गजनी से आया था। कहाँ से आया था, गजनी से आया था, तथा इसने सर्वप्रथम भटिंडा को अपना अधिकार किया। क्या हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान वहाँ गोरी के बीच संघर्ष पड़ रहे हैं। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, और मोहम्मद गोरी कहाँ से आया था, गजनी से आया था, तथा इसने सर्वप्रथम जो भटिंडा है उस पर अपना अधिकार किया था, और इसका जो मकसद जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है। तो भारत में गोरी का प्रथम युद्ध, गोरी गुजरात होकर भारत में आना चाहता था। तो मोहम्मद गोरी और गुजरात में कौन शासक है, चालुक्य शासक भीमसेन द्वितीय है। और यह युद्ध अनहेलेडा का युद्ध कहला गया है, और यह युद्ध 1178 ईस्वी में लड़ा गया है। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं, और गुजरात का चालुक्य शासक जो भीमसेन द्वितीय हैं वह विजय होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष। इस युद्ध में क्या था, इसमें बुरी तरह से भागते हुए गोरी का पीछा न करने के कारण पृथ्वीराज ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की थी कि उसे जीवित छोड़ दिया। ठीक है, बुरी तरह पराजित नॉट रख रहे, बुरी तरह उसने पृथ्वीराज गोरी का पीछा न करके पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के में 1191 की घटना है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं, मोहम्मद गोरी हार जाते हैं और वो पूरी तरह पराजित होते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो भाग जाते हैं, उनको मारा नहीं था, इसलिए बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है पृथ्वीराज चौहान को। तो फिर तरह इनका दूसरा युद्ध भी होता है, वो तराइन का पहला जो युद्ध हरियाणा में 1191 में हुआ था, ये दूसरा जो युद्ध होगा तराइन का 1192 ईस्वी में होगा, जस्ट एक साल बाद, वो भी हरियाणा में होगा, और वहाँ पे मोहम्मद गोरी विजय होते हैं और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। एक साल में ही मामला पलट जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम युद्ध में वो उनको जीत छोड़ देते हैं। आगे आता है दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय व मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने पृथ्वीराज का साथ दिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि पत्नी जो इच्छाणी है पृथ्वीराज को बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर तराइन के मैदान में आ जाती है। तो एक तीर उस
उसको लग जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर मुगल सैनिक क्या करते हैं कि इच्छाणी के शव को बचाने के लिए मुगल सैनिकों से इच्छाणी के शव को बचाने के लिए राजपूत सैनिक जो होते हैं युद्ध क्षेत्र में ही इच्छाणी की चिता जला देते हैं। क्या होता है दोस्तों कि इच्छाणी को तीर लग गया है, इच्छाणी की वहाँ पे युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाती है, तो जो राजपूत सैनिक है अपने वो मुगल सैनिकों से इच्छाणी के शव को बचाने के लिए युद्ध क्षेत्र में उसकी चिता जला देते हैं। ठीक है, इस युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया तथा गौरी का साथ कन्नौज के जयचंद गढ़वाल ने दिया। ठीक है, आगे होता है क्या होता है कि गौरी का साथ कन्नौज के जो जयचंद गढ़वाल है उन्होंने दिया। गौरी पृथ्वीराज को बंधक बनाकर गजनी ले गया, वहां पर पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय व मेवाड़ के शासक सामंत सिंह ने दिया। पृथ्वीराज का साहित्य जीवन क्या है कि पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की जिसका अध्यक्ष पद्म नाम को बनाया। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान कौन कौन थे, नागेश्वर था, जनार्दन था, विद्यापति गौड़ था, विश्वरूप था, जयानक भट्ट था, पृथ्वीराज विजय था, चंद्रवरदाई था जो जिसने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है। जयानक भट्ट ने कौन सा लिखा है, पृथ्वीराज विजय लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ इस ग्रंथ में चंद्रवरदाई झूला लिखा था, तो इसके इस ग्रंथ को पूरा था चंद्रवरदाई के बेटे जलहण ने किया है, क्योंकि चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज के साथ में ही मर जाता है, इसलिए इसके आगे ग्रंथ को चंद्रवरदाई का बेटा जलहण करता है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय को गौरी के दरबार में नजने क्या होता है कि इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज जो तृतीय है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, गौरी उसको पकड़ के ले गया था पृथ्वीराज को, तो गौरी ने पृथ्वीराज को दरबार में उसकी नज़रें हैं नीचे करने के लिए कहा, पर पृथ्वीराज ने मना कर दिया कि मैं आंखें नहीं झुकाऊंगा। तो गौरी ने क्या किया, उसकी आंखें फुड़वा दी। तो आंखें फुड़वाने के बाद में क्या आगे की घटना क्या होती है कि इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रवरदाई ने चंद्रवरदाई भी जो होता है उसका खास मित्र होता है पृथ्वीराज का, तो वो भी गजनी पहुँच जाता है। चंद्रवरदाई के कहने पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया और चंद्रवरदाई के इस जगह पर बाण चलाया, 4 बाँस 24 गज अष्टल अंगुल प्रमाण था उपर सुल्तान है मत चौगरी चौहान। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रवरदाई जो है गजनी के दरबार में पहुंच जाता है, तो चंद्रवरदाई है मोहम्मद गौरी से कहता है कि मैं पृथ्वीराज से मिलना चाहता हूँ और मैं जैसा कहूँगा वो करेगा। तो मोहम्मद गौरी कहता है कि ये हमारी बात तो नहीं बनी, आपकी बात कैसे बनेगा। तो कहता है मैं मनवाऊँगा कैसे भी करके, बाण चलवाऊँगा। तो गौरी भी सोचता है कि ये तो अंधा है क्या बाण चलाएगा। तो पृथ्वीराज और जो ये चंद्रवरदाई है उन दोनों वो मिलना हो जाता है उन दोनों का, और उसको पहले से मित्र थे तो उसको समझा दी जाती है सारी बात कि क्या कैसे करना है। मैं भले ही अंधा है वो, पर दोहे के माध्यम से समझा रहा है कि 4 बाँस 24 गज यानी 24 गज की दूरी है और 8 अंगुल प्रमाण था ऊपर सुल्तान है और सबके सामने ही सुल्तान बैठे हैं मत चौकरे चौहान, ऐसा दोहा के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को समझा दिया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान जैसे ही तीर चलाते हैं बाण चलाते हैं तो सीधा गौरी को लगता है और गौरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और आगे क्या होता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और स्वयं भी मर गया। क्या होता है कि पृथ्वीराज ने गौरी को बाण लगाया तो पृथ्वीराज भी मर गया एक ही तीर से। और आगे पृथ्वीराज ने जो चंद्रवरदाई है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और स्वयं भी मर गया। तो इसने ऐसा क्यों किया कि वो जानता था कि मैंने ऐसे किया है तो जो मुगल शासक है मेरे को छोड़ने वाला तो है नहीं और पृथ्वीराज को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसने सोचा कि सब कोई और मारे, इससे अच्छा तो हम दोनों ही एक दूसरे को मार दें। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को मार दिया और वह चंद्रवरदाई भी स्वयं मर गया। तो इस तरह से इनकी यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गोविंद राज के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में आए। थैंक यू।